हाय फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू रेसिपी। आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है साउथ इंडियन डिश अप्पम रेसिपी। चलिए बनाते हैं। उसके लिए जो आटा यूज़ होता है इडली का और चीले, उसमें अप्पम और जो ये तीन डिश भी अच्छे से बना सकते हैं, वो बैटर मैंने रात को ही सब अच्छे से पीस के मैंने खट्टे के लिए उसमें सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने रख चुकी थी। फिर उसमें मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में उठ के एक बारीक कटा हुआ कांदा, एक टमाटर और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा दो मिर्ची सिर्फ डाली मैंने और थोड़ी सी कोथमीर। फिर मैंने ऑयल को बघारने में मैंने उसको तड़का देने के लिए मैंने उसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और 4 से 5 हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैं अच्छे से उसमें तड़के के लिए पूरा फ्राई कर लूँगी। और मैंने बैटर में भी 2 मिर्ची डाली हूँ, इसके लिए इसमें 3 मिर्ची। अगर तीखा जैसा जिसको खाना रहता है, जिसको किसको कम खाना है खाना रहता है, किसको ज़्यादा खाना रहता है, वो हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसको अच्छे से मैंने फ्राई होने दी, जैसा चटपट जैसा आवाज़ आती है ना मिर्ची वगैरह में, वैसे अच्छे से हो जाएगा। तो फिर उसको मैंने उठा के क्या करी, वो बैटर में मैंने मिक्स कर दी जिसमें मैंने सब पहले से डाल चुकी थी, कांदा, टमाटर और हरी मिर्ची, कोथमीर, उसमें मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दी। और कभी भी अप्पम का आटा कभी भी घट रखना, नॉर्मल पतला नहीं रखना। हाँ, डोसे वगैरह के लिए यही बैटर को पतला करते हैं, पर अप्पम और उत्तपम ये दोनों अलग अलग डिश है, उसके लिए हमेशा घट रखना आटा इस तरह का। और डोसा और इडली के लिए थोड़ा बहुत नॉर्मल रख सकते हैं पतला, और ये दो डिश के लिए पर घट ही रखना आटा। फिर मैंने बैटर पूरी तरह रेडी हो चुका है, फिर मैंने अप्पम का जो बनाते हैं उसका प्लेट ली, उसमें मैंने ऑयल अच्छे से डाली, क्योंकि ऑयल डालने से क्या वो नीचे चिपकेगा नहीं और अपना बराबर अप्पम एक 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 अच्छे से निकलेंगे। अच्छे से तेल डालना, मैंने 1-1 चम्मच उसमें तेल को पहले डाल दियो। डालने के बाद मैंने पूरा वापस से डाल ली और उस पर मैंने सिलो पे गर्म पे भी रखी हूँ मैं। आप भी कभी भी इसमें तेल डालेंगे, डायरेक्ट ठंडे उस तवे पे तेल नहीं डालो, उसमें पहले तेल डाल सिलो पे रख के वो थोड़ा अच्छे से गर्म होएगा, उसके बाद तेल डालना। फिर तेल डाल के जो बैटर हमने सब मिक्स करके रखे थे उसको 1-1 चम्मच जितना आपका वो साइज़ रहता है अप्पम का वो साइज़ के, मेरा को 1 चम्मच में मेरा भर जा रहा था एक, तो इसके लिए फिर मैंने 1-1 चम्मच उसको अच्छे से मैंने डाल के फिर उसमें मैंने प्लेट को 10 मिनट तक सिलो पे ही, फास्ट कभी मत करना, फास्ट करेंगे तो नीचे से पूरा जल जाएगा। सिलो पे फिर मैंने उसको 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ के फिर मैंने दूसरी साइड पलटी करी। मैंने एक साइड तो मेरा अच्छे से क्रिस्पी और अच्छे से बन भी गया, देखो आप देख सकते हैं इस तरह का। ये ज़्यादा इसमें कुछ अभी उल्टा क्या डोसे वगैरह बनाते उसमें क्या इसको चिपकने का डर रहता तवे पे, और जिसको आता है वो बराबर निकाल लेते, जिसको नहीं आता है उसको उनको जमता नहीं। और ये तो उससे भी एकदम इजी डिश है ये, और खाने में तो इतना टेस्टी है ना, बहुत अच्छा, क्यों यूनिक डिश है। जल्दी कोई अब हम लोग में ज़्यादा करके ये साउथ इंडियन में बनता है, और एकदम क्रिस्पी भी था और अच्छा भी था। और इसी तरह का मैंने सब रेडी कर चुकी हूँ, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।